नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि इस समय नवरात्र चल रहे हैं और जिस तरह से नवरात्र जब प्रारंभ हुए थे उस समय आपने जिस सही विधि से घट की स्थापना की थी, जिस अच्छे मुहूर्त में आपने घट की स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार आपको घट का विसर्जन भी करना है। तो घट के विसर्जन का सही तरीका क्या है, मतलब सही विधि क्या है और उसका जो शुभ मुहूर्त क्या है घट की विसर्जन आपको कब करना है, ये दोनों ही बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घट का विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि घट विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। आप ये देखेंगे कि अब जो कलश आपने बनाया इसके विसर्जन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए कलश उठा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि किस प्रकार से विसर्जन करना है। ठीक है, मैंने ये कलश यहाँ से उठा लिया है। ठीक है, ये कलश है, इसमें सबसे पहले तो आप ये नारियल जो है, नारियल या तो आप इस नारियल को खोल कर, या आपने नारियल खोल लिया, ये जो आप चुनरी है ये चुनरी आप कहीं अच्छी जगह आप रख सकते हो चुनरी को, और नारियल को आप बहा सकते हो यानी जल प्रवाहित इसका कर सकते हो। ठीक है, नारियल का ये काम में लेना है। इसके साथ जो चावल रखे हुए हैं, ये चावल, इन चावल को आप अपने जो भंडार गृह है उसमें रख सकते हो, या चावल को बनाकर खा भी सकते हो, या इसका दान भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, ये जो पंचपल्लव है, ये पंचपल्लव को आपको क्या करना है कि नारियल के साथ ही इसको प्रवाहित कर देना है। ठीक है, अब इसका जो जल है, इसमें जो जल भरा हुआ है, इस जल को आप पूरे घर में आप छिड़कना है, इस जल को पूरे घर में छिड़कना है। साथ में जो जल बच जाए बाद में उस जल को सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर जो सुपारी रखी है, लौंग इलायची रखी है, उनको भी आप चाहे तो खा सकते हो या दान कर सकते हो। साथ में जो सिक्का रखा है उसको आप दान कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसका विसर्जन करेंगे। ओके, और इस आपने देखा होगा कि मैंने अभी यहाँ पे गेहूं डाले थे और जो मेरे जो है वो डाले थे, जो थोड़े दिन बाद वो जवारे बन जाएंगे। उस जवारे का क्या करना है, उस जवारे को या तो प्रवाहित कर दीजिए या फिर उसका रस बनाकर आप घर के सभी सदस्य उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है इसकी प्रक्रिया विसर्जन की। अब तो चलिए, अभी आपने जान लिया कि किस प्रकार से घट का विसर्जन करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि घट विसर्जन का सही मुहूर्त क्या है। देखिए, 5 अक्टूबर को आप सुबह 6:21 से 8:37 ये जो समय है, 2 से 2.25 घंटे का जो समय है, इस समय में आपको घट का विसर्जन करना है। घट का विसर्जन अगर आप उस समय नहीं जा सको तालाब पे, तो आप उसको थोड़ा सा खिसका दीजिए तो भी माना जाएगा कि आपने घट का जो स्थापना थी वो उसको खसका दिया है, इसका मतलब विसर्जन आपने कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 अक्टूबर को सुबह 6:21 से 8:37 के बीच में आपको घट का विसर्जन करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हर जगह पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है समय का। तो आप इसके बीच का जो मैंने जैसे 6:21 से 8:37 बताया, इसके बीच में आप कोई सा टाइम निकाल लीजिए और कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सिटी और इससे चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे इसका समय बदलता जाता है। अगर दिल्ली का समय देखोगे तो कुछ और मिलेगा, कलकत्ता का समय देखोगे तो कुछ और समय मिलेगा, मध्य प्रदेश में कोई सिटी का देखोगे तो और मिलेगा। इसलिए आप इन दोनों के बीच का कोई समय ले लेना और उसमें आप घट का विसर्जन कर सकते हो। मान लीजिए कि इस समय में आपको टाइम नहीं मिलता है और आप इस मुहूर्त को चूक जाते हो, किसी वजह से आप नहीं कर पाते हो विसर्जन, तो मैं आपको उस दिन के चौगड़िया बता देता हूँ। उस चौगड़िया के समय भी आप अपना जो माता रानी का जो कलश है उसका विसर्जन कर सकते हो। तो देखिए, बुधवार 5 तारीख को यानी 5 अक्टूबर को बुधवार का दिन रहेगा और बुधवार का जो पहला चौगड़िया होता है वो होता है लाभ का चौगड़िया। तो ये चौगड़िया का समय जो रहेगा 6:30 तक रहेगा, इसमें कर सकते हो। दूसरा चौगड़िया अमृत का चौगड़िया होता है, वो जो चौगड़िया है वो 7:30 से 9 तक रहेगा, यानी कुल मिला के 6 से 9 तक का जो समय है उसमें भी आप कलश का विसर्जन कर सकते हो। इसमें भी अगर आपको टाइम नहीं मिले, फिर आता है शुभ का चौगड़िया और वो चौगड़िया रहेगा 10:30 से 12 के बीच में। तो 10:30 से 12 के बीच में भी आप इनका विसर्जन कर सकते हो। तो इन सभी जो अभी मैंने मुहूर्त और चौगड़िया बताए, इस बीच में जब भी आपको टाइम मिले तो आप कलश का विसर्जन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप इस टाइम का ध्यान रखेंगे, जो मैंने विधि इसमें बताई है किस तरह से विसर्जन करते हैं उसका ध्यान रखें। माता रानी आप सभी का भंडार भरा रखेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।